केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी प्रत्याशी सुरेश धाकड़ राजखेड़ा के समर्थन में विशाल आम सभा को किया संबोधित। सिंधिया ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कांग्रेस पार्टी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर साधा जमकर निशाना। शिवपुरी मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मतदान में अब कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है, ऐसे में राजनीतिक दल जोरों शोरों से चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के स्टार प्रचारक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगातार अपने प्रभाव वाली विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो और आम सभाओं को संबोधित कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। इसी के तहत मंगलवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा क्षेत्र के बैराड़ कस्बे में बीजेपी प्रत्याशी सुरेश धाकड़ राजखेड़ा के समर्थन में विशाल आम सभा को संबोधित कर जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जनता को बीजेपी सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गिनाया, वहीं कांग्रेस पार्टी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर साधा निशाना। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि हर गरीब में के घर में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा अगले 5 साल के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रण लिया है कि गरीब के घर में जितने भी बच्चे हैं, 1 क्लास से 12वीं क्लास तक पूरी तरह से मुफ्त में पढ़ाई दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि जितनी लाडली बहना है जिनके पास घर नहीं है, गरीब के घर से आती हैं, उनको मुफ्त में मकान बनाया जाएगा। ये है कमाल कमल का मेरे भाई और बहनों। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि जितनी लाडली बहना है और जितनी उज्ज्वला की बहना है, 82 लाख उज्ज्वला की बहना और 1,37,00,000 लाडली बहना, दोनों को गैस का सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा।